प्रियंका के बनारस से चुनाव अभियान शुरू करने के मायने क्या हैं? क्या 2019 चुनाव में नरेंद्र मोदी को काशी में चुनौती देंगी प्रियंका? प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने से जहां एक ओर देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश हैं, तो वहीं वाराणसी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी एक अलग ही उत्साह है। वाराणसी कांग्रेस के नेताओं की माने तो प्रियंका गांधी 2019 लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत वाराणसी से कर सकती हैं। इतना ही नहीं, ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि पार्टी प्रियंका को मोदी के खिलाफ वाराणसी से मैदान में उतार सकती है। दरअसल कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है जिससे प्रियंका के काशी से 2019 लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। अपने ट्वीट में सिब्बल ने लिखा है, मोदी जी और अमित शाह ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, अब प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश पूर्वी में आने के बाद हम देखेंगे मुक्त वाराणसी, मुक्त गोरखपुर। सिब्बल के इस ट्वीट के बाद से राजनीतिक गलियारों में इन दिनों ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रियंका को पूर्वी यूपी की किसी सीट से उतारा जा सकता है। ऐसी भी चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मुकाबले में उन्हें वाराणसी से पार्टी अपना चेहरा बना सकती है। इतने नहीं, 2014 में बनारस से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने भी इसके लिए राहुल गांधी को प्रस्ताव भेजने की बात कही है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका को पार्टी का न सिर्फ महासचिव नियुक्त किया है, बल्कि उन्हें पूर्वी यूपी की कमान भी सौंपी है। प्रियंका की नियुक्ति की खबर सामने आने के बाद मीडिया से रूबरू हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस यूपी में अब फ्रंट फुट पर खेलेगी। जाहिर है प्रियंका के आने से कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उनके आने से यूपी में 2019 का मुकाबला दिलचस्प जरूर हो गया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।